अमरवाड़ा विधानसभा सीट के बाद अब अगले 45 दिन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट पर उपचुनाव होना है। सीहोर की ये सीट शिवराज के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो विजयपुर और बुधनी में एक साथ चुनाव होंगे। जुलाई के आखिर तक केंद्रीय चुनाव आयोग दूसरे उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। बुधनी में बीजेपी की ओर से पूर्व विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। भार्गव के अलावा बीजेपी शिवराज के बेटे कार्तिक चौहान और हाउसिंग और लॉजिस्टिक कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह राजपूत पर भी दाव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से महेश राजपूत का नाम सबसे आगे है। दावेदारों की बात करें तो पार्टी पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट और किसान नेता अर्जुन आर्या के नाम पर भी विचार कर रही है। आनंद जाट और अर्जुन आर्या कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। पार्टी के अंदर खानों की माने तो कांग्रेस ने टिकट लगभग फाइनल कर लिया है। जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन का जिम्मा पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को सौंपा है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।